एक दौर था जब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर एक दूसरे के खास हुआ करते थे, और एक वक्त आज का है जब दोनों एक दूसरे पर तीखे तीखे वार करते नहीं थक रहे हैं। कभी प्रशांत किशोर की तरफ से बयान आता है तो कभी नीतीश कुमार की तरफ से। अब हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर को बिहार के बारे में एबीसी भी नहीं पता है। अब उनके इस इल्जाम के बाद भला प्रशांत किशोर कहां शांत रहने वाले। उन्होंने भी इस पर पलटवार किया, क्या कहा है सुनिए। 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है? अगर आपको आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे? पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों की अभियान चलाने की क्या जरूरत है? 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे। अभियान ही वापस नहीं लेंगे, उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के जैसे 15 दिन उनका काम कर रहे थे वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका धंधा लेके घूमेंगे। 10 लाख 10 लाख लोगों को नौकरी देके दिखाइए साल भर में। एक महीना, एक मिनट, सवाल आपने पूछा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस 12 महीना में एक महीना निकल गया, दूसरा महीना चालू है। 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको एबीसी का ज्ञान है और किसको एक्सवाईजेड का ज्ञान है। 10 लाख लोगों को नौकरी यहाँ आप देख कर दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे, आपको नहीं क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे कि आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी आप ही व्यक्ति है, भगवान एक ऊपर है।